हेलो फ्रेंड्स, मैं बबली आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने बगिया में। तो देखिए, हमारी बगिया में बहुत ही खूबसूरत फूल सब खिले हुए हैं आज। और फ्रेंड्स, आज है संडे और मैं संडे अपडेट दे रही हूँ, तो ज़्यादा कुछ काम तो नहीं हुआ है, पर जो भी है आप सबको दिखाना ज़रूरी है फ्रेंड्स। तो देखिए, हिबिस्कस में बहुत ही अच्छे फूल खिल रहे हैं। दो तीन दिन से हमारे तरफ धूप उतनी तेज़ नहीं निकल रही है फ्रेंड्स, इसलिए पोचुरका सब अभी खिले नहीं हैं। वैसे तो 10 बज गए पर अभी तक अच्छे से खिले नहीं है। और देखिए, आज इस वाले हिबिस्कस में पहला फूल खिला हुआ है फ्रेंड्स। बहुत दिनों बाद इसमें फूल आया है, लगभग 2-3 साल बाद। ये पौधा बिल्कुल ही ख़राब हो गया था, अब अच्छे ग्रोथ पे आया है। तो एक और पौधा है फ्रेंड्स जो काफ़ी दिनों से खिला नहीं है, तो उसमें भी बीमारी लग गई थी फ्रेंड्स, रूट उसके बिल्कुल ख़राब हो गए थे। तो ये दो पौधा अब अच्छे ग्रोथ पे आ रहे हैं। तो एक में तो आज फूल खिल गया, दूसरे में अभी भी कली नहीं बने हुए हैं। उसका कलर बहुत ही खूबसूरत है फ्रेंड्स, और अभी कनेर के भी फूल सब झड़ गए हैं, बिल्कुल पौधा खाली लग रहा है। तो इस वाले कनेर में अभी कली भी नहीं बन रहे हैं फ्रेंड्स। तो फिर कुछ दिन बाद इसमें फूल आना स्टार्ट होगा, काफ़ी खूबसूरत लगते हैं कनेर के फूल। तो फ्रेंड्स, आज है संडे और मैं संडे अपडेट दे रही हूँ, तो वीडियो पूरे ज़रूर देखना। अगर हमारी वीडियो थोड़ी भी पसंद आएगी तो लाइक ज़रूर ही करना फ्रेंड्स। आप सब वीडियो देखते हो, लाइक नहीं करते हो, प्लीज़ लाइक कर दिया करो। और चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब करके सपोर्ट करो। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पे या कहीं और देख रहे हो तो वहाँ भी मुझे फॉलो करना और वीडियो को शेयर करना फ्रेंड्स। तो देखिए, ये मिर्ची बहुत ज़्यादा फूल आ गए थे, उतने फूल फ्रेंड्स फ्रूट में नहीं कन्वर्ट हो पाए, बहुत फूल ख़राब हो रहे हैं उसके। और यहाँ पे टिकोमा का बेल देखिए, बहुत अच्छे से अभी ग्रोथ पे आ रहा है। और इसको भी मैं ऊपर ले जा रही हूँ जहाँ पे ग्लोई है ऊपर बंधा हुआ, तो इसको मैं अलग अलग कर रही हूँ फ्रेंड्स, कभी आगे हटाना पड़ा तो अच्छा रहेगा। और ये देखिए, जो मोटी वाली लाल वाली मिर्ची आती है वो है फ्रेंड्स, मैं पिछली बार बीज डाली थी तो उसका वीडियो भी शेयर की थी फ्रेंड्स, पर उस टाइम तो इसमें नहीं मिर्ची लगा, अब वो पौधा ही नहीं बच पाया फ्रेंड्स। अब देखिए, तो मुझे पता नहीं था कि इसमें इस तरह की मिर्ची आएगी, तो इसलिए अभी छोटे साइज में इस बार हुए हैं। और देखिए, इसमें तो अभी फूल फ़िलहाल ख़त्म हो गया है, फिर से कली आना स्टार्ट हुआ है। और ये खूबसूरत पत्ते वाला है हिबिस्कस फ्रेंड्स, इसमें इतने ज़्यादा मिली वक्त लगते हैं पत्ते की वजह से, इसमें पता भी नहीं चलता, सफ़ेद कीड़े भी रहते हैं, सफ़ेद पत्ते भी हैं। और इसमें भी देखिए, अभी बहुत ज़्यादा मिलीबग सारे हिबिस्कस में लग रहा है, रोज़ स्प्रे कर रही हूँ तब भी हटने गए हैं फ्रेंड्स। इधर सारे मिर्ची के पौधा बहुत अच्छे ग्रोथ पे आ रहा है। और ये देखिए, नारी के फूल, जिसे हम लोग गांव के तरफ इसे कर्मी साग कहते हैं फ्रेंड्स, वैसे साग ही इसका बनता है। मैं फूल के लिए अपने गार्डन में लगाई हूँ, इसका फूल मुझे बहुत ही खूबसूरत लगता है, शाम तक खिले रहते हैं फ्रेंड्स और बहुत अच्छे से चलते रहते हैं, ज़्यादा केयर भी नहीं करना पड़ता। और यहाँ पे टिकोमा, तो देखिए टिकोमा में फिर से कली बनना स्टार्ट हो गया है। टिकोमा के भी फूल बहुत ही खूबसूरत होते हैं फ्रेंड्स। और ये एक जोड़ा के पौधे अभी अच्छे ग्रोथ पे नहीं है। इधर देखिए, हिबिस्कस सबकी जो कटाई कर दी थी, नए नए ब्रांच आना स्टार्ट हो गया है। इधर सारे पोर्चुल का सब, और ये देखिए हाइब्रिड में, तो इसका जो ब्रांच बड़ा हो जाता है फ्रेंड्स, मैं इसी में कट करके लगा देती हूँ। 5 पॉट इसका बन गया है और इसी पॉट को मैं घना कर रही हूँ फ्रेंड्स। और देखिए, बहुत अच्छे से इसमें ब्रांच आना भी स्टार्ट हो गया है। तो अब मैं इसको कट नहीं करूँगी, नहीं तो फिर इसमें फूल नहीं आ पाएगा फ्रेंड्स। तो अब फूल लूँगी इसमें से। और इधर सारे पर स्लेन पोर्चुल का, और ये देखिए बहुत ही खूबसूरत इसके कलर लग रहे हैं पेटोनिया के। और ये देखिए कैलेडियम के बल्ब, आप सबके साथ ही लगाई थी फ्रेंड्स, रिपोर्ट की थी, तो आपने वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर देख लेना चैनल पे जाके। तो दोनों में सेम कलर के ही कैलेडियम लगे हुए हैं, बहुत ही खूबसूरत इसके पत्ते होते हैं फ्रेंड्स, पत्ते की वजह से ही हम लोग इसे गार्डन में शामिल करते हैं फ्रेंड्स। और देखिए, अब इधर के पोर्चुलका भी खिलने लगे हैं, और इधर सारे पोर्चुलका ही है फ्रेंड्स, अभी पूरे गार्डन में पोर्चुलका ही लगे हुए हैं, बहुत आसानी से बहुत जल्दी फैल जाते हैं, इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा मात्रा में इसे अपने गार्डन में लगाती हूँ फ्रेंड्स। तो जो जो छोटे छोटे पॉट रहते हैं या बोतल से, तो मैं उसे कट करके उसमें लगा देती हूँ, बहुत कम केयर में ये चलते रहते हैं फ्रेंड्स, और बहुत ही अच्छा लगता है। फूल भी इसका बहुत ही खूबसूरत होता है, और फूल नहीं भी रहते हैं तब भी
बहुत ही अच्छा लगता है। और ये देखिए अभी फूल अच्छे से खिले नहीं हैं क्योंकि धूप अभी तेज़ नहीं है। तो देखिए फ्रेंड्स मैं चार पांच कलर का दिखा दी, तो पांच कलर में आज इसमें खिले हुए हैं, आज पर्सलेन में नहीं है फ्रेंड्स। और इधर भी देखिए तो एका दुका करके हर जगह खिला हुआ है। जब ज़्यादा मात्रा में खिलते हैं फ्रेंड्स तो बहुत ही खूबसूरत लगते हैं छोटे छोटे फूल, बहुत आसानी से चलते हैं। तो अभी तक आपने नहीं लगाया है तो अभी भी आप लगा लो, अभी भी लंबे समय तक फूल इसमें आएंगे। और इधर देखिए दो सेम कलर के हिबिस्कस बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। और देखिए अभी कनेर के फूल बहुत जल्दी मुरझा रहे हैं फ्रेंड्स क्योंकि बीच में धूप बहुत ज़्यादा हो रही थी, और देखिए बहुत जल्दी ही ये फूल ख़त्म हो गया। तो अभी भी कुछ कली है जो खिले नहीं हैं, खिलना बाकी है। और इधर हमारा मेहंदी का पौधा, इधर हिबिस्कस, इसमें आज एक भी फूल नहीं है। और देखिए पीले कनेर में दो फूल है, ये भी खिलते रहते हैं। और कल इस वाले पोर्चुलका में इसमें पूरे सफ़ेद ही लगा हुआ है फ्रेंड्स, बहुत सारे फूल खिले हुए थे। कल मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई, कल मैं हॉस्पिटल चली गई थी तो फिर मैं लेट आई, 2:30 बजे के करीब घर आई, तो मैं उसके बाद छत पे नहीं आई। तो फ्रेंड्स मैं वहाँ से भी दो पौधे लेके आई हूँ चोरी करके तो कल के वीडियो में दिखाऊँगी, आज शाम में लगाऊँगी फ्रेंड्स, अभी लगाई नहीं हूँ। देखिए ये विस्कस में भी नए नए ग्रोथ आ रहे हैं। तो मैं कौन सा पौधा चोरी करके लाई हूँ वो वीडियो में दिखाऊंगी, मुझे अच्छा लग गया तो मैं वहाँ से निकाली। ये हमारा चंपा का पौधा, तो देखिए कितने अच्छे ग्रोथ पे है। और यहाँ पे अपराजिता है, तो इसमें भी फूल आते रहते हैं फ्रेंड्स, तो यहाँ छुपे रहते हैं कोने में, मैं देख भी नहीं पाती हूँ। और देखिए आज भी सफ़ेद में खिले हुए हैं, तो बहुत ही खूबसूरत अपराजिता के भी फूल होते हैं। ये देखिए सारे नारी का ही साग है फ्रेंड्स, तो मैं फूल के लिए लगाई हूँ। ये इधर सारे जेट प्लांट की कटिंग लगाई थी, यहाँ पे भी सफ़ेद पोर्चुल का, और इसमें भी जब पूरे भर जाएगा फ्रेंड्स, अच्छे से खिलने लगेगा तो बहुत ही खूबसूरत लगेगा। जब एक दो बार बारिश हो जाएगी तो बारिश होने के बाद ये बहुत ही घना हो जाता है, बहुत तेज़ी से फैल जाता है फ्रेंड्स। वैसे हम कितने भी खाद पानी दे दे पर अच्छे ग्रोथ पे नहीं आते हैं जब तक बारिश का पानी इसे नहीं मिलता है। और ये सब देखिए पहले का लगा हुआ है तो बहुत अच्छे ग्रोथ पर आ गया है, काफ़ी घना हो गया है। देखिए इस समय तो बहुत बड़े बड़े ब्रांच हो गए थे, तो मैं इसको कट करके पानी में लगाई हूँ, वो भी बहुत अच्छे से सेट हो गए फ्रेंड्स, उसमें तो ग्रोथ भी स्टार्ट हो गया। पानी में बहुत जल्दी रूट बन जाते हैं, तो पानी में भी आप पोर्चुलका को लगा सकते हो। और देखिए छोटे से छोटे पॉट में बहुत अच्छे से चलते रहते हैं। इधर पिटोनिया दो ख़राब हो गए, एक सफ़ेद अभी है, तो देखिए इसमें भी जो मुरझाए हुए फूल है वो सब मैं हटा देती हूँ। अब ये भी चलने वाले नहीं हैं फ्रेंड्स, क्योंकि अब अप्रैल भी ख़त्म होने वाला है, तो अब कब तक सर्दी के फूल को हम खींचेंगे, तो बहुत दिन ये खिल गया, तो अब गर्मी के फूल की शोभा लेंगे फ्रेंड्स। तो बस जो कुछ भी काम हुआ था वही आप सबको दिखाई हूँ फ्रेंड्स। तो देखिए यहाँ पे जो सनफ्लावर के बीज लाई थी फ्रेंड्स, वो इतने बड़े हो गए पौधा, तो कुछ ही दिनों में बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। ये दो पौधा अभी अच्छे ग्रोथ पे हैं। तो इधर हिबिस्कस बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, देखिए इसका कलर बहुत ही खूबसूरत है फ्रेंड्स। आज इसमें भी फूल खिला हुआ है, ये भी बहुत ही खूबसूरत है। तो मुझे पता नहीं था फ्रेंड्स कि इस पौधे में इस कलर का फूल आएगा। तो आज का वीडियो मैं यहीं पे ख़त्म कर रही हूँ, मुझे उम्मीद है कि आप सब वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करोगे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय फ्रेंड्स।